सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। और आपको बताइए, घातक भाई और स्काउट भाई के साथ में इंटरव्यू हुआ था एंड डिस्कशन हुआ था कि लाइक बीजीएमआई का फ्यूचर क्या होगा, ई स्पोर्ट्स का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है, और बहुत सारा डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग गेमिंग। सो इंटरव्यू लास्ट तक देखना है, एंड अब चलते हैं सीधा वो इंटरव्यू की तरफ। बिल्कुल सही जवाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली स्काउट ओबी। स्काउट, ऑफ कोर्स कल से, आपके आने से पहले से लोग यहां पर आपको कितना प्यार दे रहे हैं, ये प्यार थोड़ा सा सुन लेते हैं, अभी 5 सेकंड सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप आपको? और कैसी है अहमदाबाद की पब्लिक? मतलब आई फील, मैं गुजरात स्टेट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, मेरा घर भी यहीं पे, और मतलब मैं क्या बताऊँ, प्यार तो आज तक कम हुआ ही नहीं है, 3-4-5 साल हो चुके हैं, प्यार मतलब बढ़ता ही रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी पीपल लाइक दिस जिन्होंने मुझे बनाया और मैं आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, एंड जिस तरह से आपको प्यार आपको मिलता रहा है, प्यार बढ़ता रहा है, ई स्पोर्ट्स के लिए भी प्यार बढ़ता रहा है ओवर द इयर्स, तो घातक एंड स्काउट आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ई स्पोर्ट्स आप बढ़ते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान में, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको ई स्पोर्ट्स का? आई थिंक अभी जो आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, इट्स ओनली 10%, अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है स्पोर्ट्स, और मतलब ट्रेन तो अभी स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, घातक आप क्या कहना चाहते हैं? यार मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का आप देखोगे ना, तो ऑडियंस के इंटरेस्ट पे चीज होती है, और मैंने जितना नोटिस किया है ना, अपना बीजीएमआई के लिए लोगों का जो प्यार है ना, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं। सही, आपको आने वाले टाइम में ना बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते हुए भी दिखेंगे। बिल्कुल, यस। एंड फैक्ट मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद फ्यूचर में प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स एथलीट्स बनना चाहते हैं, एंड स्काउट आपकी तो यहाँ पर टीम एक्स पार्क सिर्फ चिंगारी नहीं आग लगा रही है। कल अगर बात करें, कल दे वर इन द थर्ड पोजीशन, अभी भी और भी बहुत सारे गेम्स बचे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्काउट एक टीम में प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए डेडिकेशन होती है, मैंने ये भी सुना है प्रोफेशनल कोचेस होते हैं, डाइट प्लान होता है, जो एक हम लोग कन्वेंशनल स्पोर्ट्स की जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से डेडिकेशन सैक्रीफाइसेस होती हैं, ई स्पोर्ट्स में भी क्या उतना ही डेडिकेशन और उतनी ही सैक्रीफाइसेस होते हैं? हर चीज़ सेम रहता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है इस गेम में कम्पीट करने के लिए। आई फील अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपको फ्यूचर में जाके यहीं से कोई स्पोर्ट यहाँ पे बंदा खेल रहा होगा, गारंटीड, तो यहाँ से एक दो बंदे रहेंगे जो आज से जाके अगले 1 साल या 2 साल या फिर अगले 6 महीने बाद आपको स्टेज पे दिखने वाले हैं। एंड आई पर्सनली फील कि जो अमाउंट ऑफ डेडिकेशन स्पोर्ट में लगता है, इट्स मोर अबाउट द मेंटल गेम, क्योंकि हम इसको बैठ के इतने आवर्स खेलते हैं। और आपने जो चीज़ बोला कि कोचेस एंड एनालिस्ट, ये बहुत अंडररेटेड टर्म है जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में एक कोच है जो 4 बंदे को बताता है कि क्या गलतियाँ हो रही है, क्या गलतियाँ नहीं हो रही है, एक एनालिस्ट है जो टीम स्टडी करता है, यहाँ पे 16 टीम्स है, 4 बंदे सबको स्टडी नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए। आई थिंक घातक आपको बता पाएगा, खुद कोच रह चुका है घातक। बिल्कुल, घातक जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट बनने के पीछे क्या क्या लगता है? आप किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो, राइट? तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, वो खुद ग्राइंड करते हैं, इसमें भी वो आपको सेल्फ ग्राइंड करना पड़ता है, उसके बाद टीम के साथ 6-7-8 मैचेस दिन के खेलने पड़ते हैं, उसके बाद टीम मीटिंग में आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी पड़ती है, जो टॉप टीम से उनको थोड़ा सा उनका गेम प्ले थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है, अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, तो ओवरऑल 10-12 घंटे दिन के चले ही जाते हैं, तो मेहनत आप बोल सकते हो कि बहुत है। ये जो बंदे यहाँ पे जो खेल रहे हैं अभी, ये 1.5 लाख प्लेयर्स में से 64 बंदे आके यहाँ पे खेल रहे हैं, तो मतलब आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। और स्काउट ने यहाँ पर बहुत ही कमाल की बात कही कि हो सकता है कि 6-8 महीनों में यहाँ से ही कुछ लोग शायद इन टॉप टीम्स में खेले हिंदुस्तान के। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्काउट की टीम के लिए प्रोबेबली इन द फ्यूचर खेलना चाहते हैं, कितने लोग हैं? तो स्काउट एक्चुअली आपको ही स्काउट करना पड़ेगा। मेरे को लगता है टीएक्स एकेडमी खोलनी पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी टीम्स रेडी करें, क्या पता फ्यूचर प्लान्स हो सकता है कि मे बी एक एकेडमी खोले हम लोग, जैसे स्पोर्ट्स में होता है जी, एक स्मॉल एकेडमी रहती है जहाँ से प्लेयर Division 1 में प्रमोट होता है, वहाँ खेलता है। आई थिंक ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी उसी तरफ चल रहा है, आगे जाकर आपको ऑलमोस्ट सारे और एक एक एकेडमी मिलेगी, जहाँ पे ऐसे रैंडम प्लेयर्स को उठा के ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स बनाएंगे, और लोग फिर बोल पाएंगे यार हमारा बेटा भी स्पोर्ट्स एथलीट है। क्या बात है। एंड स्काउट, आपने बहुत ही कमाल की बात बोल दी कि एकेडमी का आइडिया, तो फ्यूचर में अगर एकेडमी बनती है तो आप ये बोल सकते हैं कि इस आइडिया का इजाद इसी ग्रैंड फिनाले में हुआ था। तो कौन कौन चाहता है कि स्काउट एक एकेडमी खोले फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द एस्पायरिंग ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स? रजिस्ट्रेशन तो यहीं से शुरू कर सकते हैं अगर आप हाँ बोलते हैं तो। लेकिन घातक आप बताइए कि एज अ फ्यूचर, यहाँ पर अगर ई स्पोर्ट्स को माने एज अ प्रोफेशनल, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स अभी तक इसका सीरियसनेस नहीं समझे,
तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि फ्यूचर है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है? टाइम लगेगा थोड़ा सा पेरेंट्स के समझने में चीज़ें, क्योंकि आपने पहले भी नोटिस किया हुआ, आप जब छोटे थे, हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते थे, घर पे बोलते थे घर पे बैठ जाओ और मतलब स्टडी कर ले। तो वही है, अभी गेम का क्रेज़ बढ़ रहा है, इसके तो एथलीट्स है वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो जब पेरेंट्स को दिखेगी वो चीज़ें कि इसमें अच्छा करियर ऑप्शंस हैं, तो 100% पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। जैसे आजकल पेरेंट्स क्रिकेट की एकेडमी लगाती है, फुटबॉल खेलने के लिए बच्चों को भेजते हैं, तो आने वाले टाइम में पेरेंट्स उनके बच्चों को ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलाउ करेंगे 100%। बस यही, अभी 2024 में पिक्चर पूरा चेंज हो जाएगा और आपको इसमें से बहुत सारे लोग दिखेंगे खेलते हुए। ऑलराइट, तो हम भी देखना चाहेंगे, क्योंकि अहमदाबाद ने जिस तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाया है, तो स्काउट आपसे भी जानना चाहता हूँ, इसी स्टेडियम में, अभी तो हम लोग एका स्टेडियम में है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, कितने सालों में आपको लग रहा है कि ई स्पोर्ट्स वो स्टेडियम भी भर देगा? देखो, ऐसे कुछ अंदाजा हम बोल नहीं सकते, जल्दी भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, ये एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म है, आराम से चीजें चलेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे हम ऐसे खेल रहे और यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह लोग रहेंगे।